राम राम भाइयों, मैं जगदीप शर्मा आज रूपगढ़ गांव में आ रहा हूँ। अरे लोगों की राय लेवांगे यार, अभी कौन सी पार्टी आनी चाहिए। राम राम भाई। राम राम जी। और सर्दी का मजा ले रहे हो? हाँ जी जी। अपने गांव में किसका जोर लगा है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? ये लगे जी दुष्यंत। दुष्यंत का? हाँ जी। चला करते हैं भाई। हाँ जी, किसका जोर लगा? दुष्यंत का लग। दुष्यंत का क्यों लग गया जोर? जब जोर चली रहा जी तो दुष्यंत का लग गया। नया नेता है, नया युग है। अच्छा। जहाँ दुष्यंत है वहाँ हम है। वाह जी वाह। आने वाला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला है। हाँ। आप इस गांव के हो? हाँ, इसी गांव के। लेकिन इस आपको नहीं सुना मेरे ख्याल है नी। हाँ जी, दुष्यंत है। दुष्यंत है बिल्कुल। मतलब दुष्यंत क्यों? दुष्यंत भाई युवा नेता है। युवा नेता तो सुधीर गौतम भी है। उसके फैन है हम। सुधीर गौतम भी कड़े फैन है उसके। सुधीर गौतम भी है, उसको जानते नहीं हम। बस सीधी बात है। अच्छा, भाई साहब क्या लग है? क्या जी? दुष्यंत है जी। दुष्यंत है। हाँ जी, दुष्यंत ही है जी। दुष्यंत लग है युवा नेता। अच्छा, युवा नेता है, चौधरी देवीलाल के विचार है। बस बस डट जा डट जा डट जा डट जा। हाँ जी, क्या लग है? क्यों, कौन बीजेपी आओगी? दुष्यंत आओगा? कौन आओगे? दुष्यंत आओ ना। धक्के धक्के देना को भाई। ना ना नूनी यार, के मेरा कौन आओगा? देख समझे, धक्के देखो आओगे तो नहीं होगा भाई, कोई विचार नहीं है। फिर भी क्या लगे मेरा कौन से पास? राजकुमार सैनी का भी लग गया जोर हट है। दुष्यंत का जोर है ज्यादा तो। राजकुमार सैनी का कौन है? बीजेपी बाबत बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अरे कोई रोल नहीं है के बात? वोटे कौन है बीजेपी के? अच्छा, के लगे भाई? भाई कोई बेरा नहीं बे। ना बता दे यार, कोई बेरा नहीं। अपन मैं आऊ था गांव में, राजकुमार सैनी का भी चोखा फर्क है। अरे बताओ है, कोई जोर नहीं यार। तो देखो भी कौन सा हुआ कौन सा नहीं। दुष्यंत का कितना जोर है? सह जोर उसका तो है। हाँ। अगर बोलनी वोट है, बजनी वोट हो, अगर दार रुपये वोट है भाई, 72 भाग को वोट लियो। राम 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 राम। 72 भाग को वोट लियो। राम राम भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? ठीक है। पढ़िया करा? हाँ। के कित पढ़िया करा? के पढ़िया करा? दसवीं पढ़िया करो। अच्छा, दसवीं वोट भी नहीं बन रही फिर तो तेरी। अच्छा जी, अपने गांव में किसका जोर लगा, कौन सी पार्टी का जोर लग गया? पता नहीं भाई। बीजेपी, दुष्यंत, राजकुमार सैनी? किमें नहीं कह सकते, किमें नहीं कह सकते, एक तरफा नहीं लग रहा किसी का। अच्छा, क्या का जोर लग रहा है? जेजेपी का। जेजेपी का? जेजेपी की फुल फॉर्म क्या है? जननायक जनता पार्टी। अरे वेरी गुड, ठीक है। लता उतर विचार ले लिया। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ताऊ अपने गांव में किसका जोर लगा, कौन सी पार्टी का जोर लग गया? अब भाई बात सुन ले। वो तो बस गाली गोली तो दिया ना। ना ना, गाल के देवा दे। वो तो देखे इसका ही छोरे का है दुष्यंत का। दुष्यंत का? अच्छा। बाकी और वोट नीचे जाते नहीं, वो बोलते को नहीं, जाटा का जोर है उसी का। अच्छा, बाकी नीचे जो होते बीजेपी के जाऊंगी। बीजेपी के जाऊंगी? हाँ, नीचे जितनी जाते जाटा का जोर। बीजेपी के वोट दे। राजकुमार सैनी का कुछ ख्याल आ रहा है? राजकुमार का नहीं, बड़ा दाना भी छोरी चौधरी ने। अच्छा अच्छा। हाँ जी, राजकुमार सैनी भी एक नंबर का आदमी है और उसके वोट देश का भाई, बीजेपी की जड़ है। अच्छा, बीजेपी। कांग्रेस का क्या कुछ ज्ञान है? कांग्रेस का कोई साहब है जम्मा डीला। कांग्रेस का कोई खाता नहीं राजकुमार सैनी। अगर बीजेपी चार राज्य में, पांच राज्य में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, चार में कांग्रेस है ली, एक में बीजेपी आ रही है, तो भाई मारा वर्ग तो राजकुमार सैनी के वोट देश के। राजकुमार सैनी के वोट देश का है यह ज्ञान की। आइए मित्र आइए। ए मेरे यार, कि मैं नहीं बोलन बोलन का मस्त हाल है। उड़े भी जाऊंगा ले एक अपने भाई साहब इनते मिल। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। अच्छा, अपनी दुकान है? हाँ जी भाई साहब। किसका जोर लगे काम भाई? अपने तो दुष्यंत चौटाले का जोर है। दुष्यंत चौटाले का है। राजकुमार सैनी का, बीजेपी का, इनका क्या कुछ लगे? इनका कोई विचार नहीं। बीजेपी के तो है वोट, फिर राजकुमार सैनी के कौन? राजकुमार सैनी के कौन? अरे कांग्रेस का क्या कुछ ज्ञान है? कांग्रेस के भी हैं वोट। हैं वोट मतलब हैं सारी पार्टियां के। हाँ। लेकिन बीजेपी की थोड़ी ज्यादा लग गए। बीजेपी की ज्यादा कौन लग दी? कम है। हाँ। पिछली बार के कुछ ज्ञान है? पिछली बार तो बीजेपी जिताई थी उरा। करीब बीजेपी जिता दे यार। देखो भाई के देख रहे हो। अच्छा अच्छा। अरे राम राम भाई, क्या हाल है? राम राम बढ़िया भाई। कौन सी पार्टी आओगी? बीजेपी आओगी। क्या बात है, कौन सी? बीजेपी। बीजेपी क्यों आओगी?
बीजेपी अच्छे अच्छे काम करे इसलिए बीजेपी आओगी। मतलब संतुष्ट हो बीजेपी तो? पूरे संतुष्ट है जमा। अरनु को तीन राज्य मारगी? अरे कोई बात नहीं, तो हार जीत लगी हुई है। हार लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार अपने काम में कौन सी जीती थी? बीजेपी जीती थी। बीजेपी कौन जीती थी? कौन जीती थी? इनेलो जीती थी पिछली बार। पिछली बार इनेलो का वोट था। हां अच्छा, अब की बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। 20 पार्टी ने वोट दिया। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। राम राम जी। राम राम भाई। जींद में किसकी पार्टी आओगी? अपने गांव में किसने जिताओगे? हमारे गांव में तो बस सारे ही वोट देंगे। सारे ही देंगे, मतलब एक तरफा को नहीं? सब एक तरफा को नहीं हमारे गांव में। अच्छा, किसका जोर है, किसका लगा थोड़ा? जोर सा तो चुटाल लगा ज्यादा। चुटाल लगा ज्यादा दूसरे नंबर पे है। चुटाल लगा दुष्यंत का। दुष्यंत का, दुष्यंत का ही ला लो। एक के बाद से को अबे का तो कोई जिक्र सा घाट कर रहे लोग है ना। चुटाल लगा बोल रहे हैं, नहीं ज्यादा चुटाल लगा बोल रहे हैं। हां तो दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी लग रहा है? दूसरे नंबर पे बीजेपी। बीजेपी फिर कांग्रेस? फिर कांग्रेस। अरे फिर सैनी? ना सैनी का कोई, सैनी का कोई खत्म नहीं है, खत्म है। तो अपने के कुछ लग गया है क्या जी? कौन सी पार्टी है अपने गांव में जीतेगी? अपने गांव में पार्टी का नु है जी दुष्यंत का ही जोर रहा है, दुष्यंत के ज्यादा वोट आऊंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से विधानसभा का है तो लोग नु भी सोचेंगे कैंडिडेट कौन सा उतरेगा किस पार्टी का, फिर भी सोचेंगे कि मैं। हाँ फिर भी बदला जा सके कि मैं समीकरण। हाँ हो सकता है, है ना? तो फिर कैंडिडेट की छवि के ऊपर है फिर निर्भर। हाँ अच्छा, जाट नॉन जाट की राजनीति अपने गांव में कितनी है? जाट नॉन जाट की राजनीति अपने जाट की राजनीति है यहाँ पे, मतलब जाट बहुलक एरिया है। हाँ पूरा बहुमत जाट का है। अच्छा, और लोग सैनी के गिला जा सके अगर बीजेपी के लिए जा सके? बीजेपी के साथ जाऊंगे, सैनी के साथ बहुत कम वोट है। बहुत कम वोट है। अपने गाँव में कितने वोट है? अपने गाँव में कितने? 2500 वोट। 2500 वोट है? 2700 वोट है जी। 2700 वोट है। 2300-2400 पोल होंगे। 2300-2400 पोल होंगे। 400 वोट नहीं आ, कम आवे, कम आवे हैं। हाँ वो बार भीतर के रहे। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। जर्नल के कितने वोट है? जर्नल के वोट मान के चलो आप कितने आए लिया? ना ना और है, ज्यादा है। जर्नल के वोट हैं जी 1400 के आसपास वोट है हमारे। आधो आधा है मतलब? हाँ करीब 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 करीब। अच्छा, जो निचला दबका है वो बीजेपी के साथ जाने के चांस ज्यादा है? बीजेपी के साथ जा सके, नहीं तो दुष्यंत के साथ है वो भी, निचला दबका भी। अच्छा हाँ, कांग्रेस की कम आऊंगे वोट। अच्छा, कांग्रेस का घाट ढीला ही साहब? हाँ जी बिल्कुल ढीला ही साहब है। ठीक है जी, ठीक है।